नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा पांच न्यू खतरनाक एयर ड्रॉप जिसे फ्री में अब 2000 डॉलर से लेकर 4000 डॉलर तक प्रॉफिट होगा। बस वीडियो को पूरी देखना है जिससे आपको समझ में आ सके प्लस अर्निंग कर सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, यदि मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना था आपको बेल आइकन का आइकन देखो, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या प्रॉफिट, उसमें कोई भी लूट वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं 5 से 10 सेकंड वेट करने से पता है जो भी लूट है सबसे हमारे चैनल पर आती है, जो कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करता आपका लॉस होने वाला। और यदि हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के क्या करना पड़ेगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कहीं सर्च LOOTLOOTMON या फिर यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर हमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाने। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा। बहुत बड़ा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, जैसे पता है जो भी लूट होते हैं लूट की अपडेट आते सबसे पहले अपने टेलीग्राम से पता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर किस किस का पेमेंट, किस किस का यहाँ पर अपडेट आ चुका, ठीक है। सबसे पहले बिटक्यूब से आपका जो भी यहाँ पे एक्टिव यूजर था सभी लोगों का यहाँ पे $10 पर अकाउंट अप्रॉक्स प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। उसके डीक्रिप्ट का मैंने अपडेट दिया, डीक्रिप्ट का यहाँ पे कल जो मैंने अपडेट दिया वो बर्नर वॉलेट से, ठीक है। उसके यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपका स्टेबल्स NFT से $40 से लेकर $250 पर NFT, ठीक है। और मैंने स्टेबल NFT के बारे में बताया भी था भाई, अच्छी खासा प्रोजेक्ट है, बस रिस्क 5% है, साफ साफ इसमें आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पढ़ लो और जो टैग है वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है यहाँ पे डायलेक्ट का। अब देखते डायलेक्ट का कब यहाँ पे मार्केट प्लेस आता है, बस मार्केट प्लेस का ही बेट है, फिर तो भाई अच्छी अच्छी अर्निंग होगी। और प्लस यहाँ पे बस NFT ड्रॉप करते जाओ मार्केट प्लेस आने के बाद, ठीक है। उसके यहाँ पे एयर ड्रॉप के बहुत सारे मैं देते रहता हूँ, जो भी यहाँ पे यूनिक वोनिक अर्जेंट एयर ड्रॉप आते रहता हूँ। उसके यहाँ पे लास्ट आता है OC का अपडेट ओपन चैट का, जो यहाँ पे डायमंड होल्डर है तो वो अपना यहाँ पे एड्रेस सबमिट कर दो, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। रीसबमिट कर देना क्योंकि मैंने गलत बता दिया था, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ID सबमिट करनी है, ठीक। तो अब आते हैं फर्स्ट एयर ड्रॉप की बारी। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि $2000 से लेकर $4000, मतलब भैया 2000 डॉलर का मतलब ये हो गया 170000 रुपये, ठीक है, 1.5 लाख मान लो आप, ठीक है। तो भाई इस वाले वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस वाले वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मतलब मजाक सुन रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे अपने मन में, ठीक है, और बोल रहे होंगे लास्ट वीडियो में बताया प्रॉमिस का, इस वाले वीडियो में बता रहा है। तो भाई मैं क्या करूँ, प्रोजेक्ट ही ऐसे हैं जिससे आप यहाँ पे ईजी लखपति बन जाओगे, अब बताओ। अब भाई इसलिए बोल रहा हूँ फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ और प्लस इन्वेस्टमेंट वाले बताने वाला हूँ। जो विदाउट इन्वेस्टमेंट होंगे उनमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा, $5-10 लगेंगे बस, ज़्यादा, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरी देखना है, डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है यहाँ पे, मतलब 3 से 4 डेडिकेटेड प्रोजेक्ट होने वाली है। तो बस वीडियो को पूरी देखना और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आप इजीली लखपति बन जाओगे, मैं करता हूँ प्रॉमिस, सिंपल सी बात है। बस मजाक मत उड़ाना, नहीं तो यदि जो मजाक उड़ाने की सोच रहा है तो भैया 2-4 महीने बाद मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा ये वीडियो सुना के दोबारा, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत क्रॉप करके वीडियो को फिर दोबारा सुना दो, क्योंकि भैया लोग विश्वास नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे विश्वास करोगे वो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब आती है फर्स्ट एयर ड्रॉप की बारी। अगेन बता रहा हूँ वीडियो को स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखोगे तो भाई मेन पार्ट मिस कर जाओगे। आप चाहो तो वीडियो को प्लेबैक स्पीड 1.5x या 2x कर लेना, लेकिन स्किप करके मत देखना, 2x मत करना, वैसे मैं बहुत तेज बोलता हूँ तो 1.5x तो कर ही लेना, ठीक है। अब आती है फर्स्ट एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों जो फर्स्ट आ रहा है डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जो आ रहा है बिट की वॉलेट की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन सुन लेना, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि अब देखो लेटेस्ट आप देखोगे 29 मार्च को उन्होंने $30 मिलियन और रेज करें बिटगेट से, ठीक है। बिटगेट का ये प्रोडक्ट है, बिट की वॉलेट है, और जो यहाँ पे इसका खुद का टोकन जल्दी लॉन्च होने वाला है Q2 के एंड तक, तो Q3 के अर्ली में, ठीक है। जो यहाँ पे टिकर नेम होगा BGB। अब इसमें आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ पा जाओ, सबसे पहले अपने पोस्ट पा जाता हूँ, आपको मैं एक APK लिंक दूंगा। बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी बिटकीप का वॉलेट है, यदि नहीं है तो भाई अकाउंट बनाना, मेन अकाउंट बनाना, ठीक है। और फ्रेज की इंपॉर्टेंट सेव कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद यदि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब आपको मेन अकाउंट में मिनिमम आपको 500 से $1000 का वॉल्यूम बना लेना है, मिनिमम आपको जो स्वैप का वहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेटेड फंक्शन उसमें बनाना है। आपको करके दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर वेट करो, उससे पहले अभी आपको इन्फो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको पता है बिटकीप यहाँ पे क्रॉस चेन सपोर्ट करता है, मतलब पॉलीगॉन हो गया, सोलाना हो गया, मेटिक और इथेरियम हो गया, और भी 4-5 चेन है वो सबको यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्रॉस चैन है तो उनमें आपको यहाँ पे वॉल्यूम बनाना है जिसमें यहाँ पे कम फीस लगती है। जैसे कि यहाँ पे सोलाना में कम फीस लगती है, मेट्रिक में कम फीस लगती है, BNU में कम फीस लगती है, और जो भी यहाँ पे दो चार चैन है उनमें यहाँ पे कम फीस लगती है। तो उनमें आपको वॉल्यूम बना लेना है 500-1000 डॉलर का वॉल्यूम है ना, और बिल्कुल यार इजीली हो जाएगा। यदि आपके पास 50 से 100 डॉलर भी है ना तो आपका भी इजीली यहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा आपकी फीस लगेगी सारे के सारे 4-5 चैन कंप्लीट करने में, ज़्यादा ज़्यादा 5 डॉलर मैक्स बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 5 डॉलर, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका 5 डॉलर का ही है, वो भी 5 क्रॉस चैन में मिला के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही आज में 500 से 1000 डॉलर का वॉल्यूम बनाना है, आपको आज बनाना है 200 डॉलर का, कल बनाना है 150 का, परसों में आना है 150 का, ऐसे करके आपको टोटल 500 से 1000 डॉलर का वॉल्यूम बना देना 5-7 दिन में, ठीक है। और 1-2 दिन गैप हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टोटल आपको मिनिमम 500 से 1000 डॉलर का वॉल्यूम बनाना है ईच चैन में, ठीक है। ये बात हो गई, और मैं आपको मैंने बता दी कि फीस ओनली 2 से 5 डॉलर लगेगी, और टोटल बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पे BGB टोकन सुन, तो यहाँ पे टोकन टिकर नाम होगा BGB। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया आपको कैसे स्वैप करना पड़ेगा, कहाँ से स्वैप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कर लिया अपडेट, अपडेट करने के बाद आप इस वाले पेज पर जाओगे, नोट नाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑल मेनली राइट साइड में दिखेगा ऑप्शन, तो यहाँ पे तो वो 4-5 चैन है, ठीक है। एक तो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, आर्बिट्रम, ट्रोन और पॉलीगॉन। तो यहाँ पे कम फीस किस में लगती है, BNB में, आर्बिट्रम में, ट्रोन में और पॉलीगॉन में। ट्रोन में तो अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे 3 से 4 चैन में आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो ये मेरा यहाँ पे ऑल मेन नेट का है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि BNB चैन का अलग से अकाउंट बना सकते हो, पॉलीगॉन का अलग से अकाउंट बना सकते हो, तो ऐसे ऐसे कर लेना। लेकिन जो आप अकाउंट बनाओ उनको यहाँ पे की को सेव कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे BNB अपने इस वाले एड्रेस पे डलवा देने, BNB डलवाने के बाद स्वैप वाले फंक्शन में आना है, स्वैप वाले फंक्शन में आने यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करना है सेकंड नंबर पे, और जो आपने BNB डलवाया है उस पे यहाँ पे क्लिक करो, सर्च टोकन में BNB लिखो, BNB लिखने के बाद आपके यहाँ पे BNB यहाँ पे आ जाएंगे। BNB आने के बाद BNB को स्वैप कर लो यहाँ पे BNB के USDT में, कहीं आप किसी और क्रॉस चैन मत कर लेना स्वैप, ठीक है। तो BNB के USDT में कर लो या USDC में कर लो, जैसे USDC में कर लेता हूँ BNB के, BNB यहाँ पे लोगो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने बोला कि 500 से 1000 डॉलर का वॉल्यूम बनाना है टोटल आपको मिनिमम बनाना है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपने 50 डॉलर के डिपॉजिट करें, तो 50 डॉलर को यहाँ पे स्वैप कर लो USDC में, फिर दोबारा USDC को दोबारा BNB में स्वैप करो, और BNB को USDC में, ठीक है। मतलब आप कहने का मतलब ये लास्ट में स्टेबल फंड रहने देना, जिससे आपको यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं हो, जिससे आप नेक्स्ट दिन भी यहाँ पे स्वैप कर सको। सेम टू सेम फंक्शन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है पॉलीगॉन चेन पे कैसे करोगे, पॉलीगॉन पे सेलेक्ट करो और इसमें भी अकाउंट बना लो, और यहाँ पे की कर लो सेव, और यहाँ पे मैट्रिक डिपॉजिट कर दो, नहीं तो मैट्रिक के USDC या USDT डिपॉजिट कर दो, और प्लस स्वैप में आके यहाँ से स्वैप कर लेना मैट्रिक को USDT और USDT को मैट्रिक और मैट्रिक को USDC। लास्ट में आपको स्टेबल फंड रहने देना है और बस इतना काम करना, और कुछ नहीं करना। 3 से 4 चैन आपको मैंने बता दी, BNB, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ट्रोन पे दे लेना, ट्रोन पे ज़्यादा फीस नहीं लग रही तो कर लेना, नहीं तो फिर मत करना, ठीक है। 3 चैन मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया, जिससे आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे BGB के यहाँ पे एयर ड्रॉप में। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट की बारी। जैसे कि आप पता है कि यहाँ पे फॉर्म वाला सिस्टम आ रहा है, जिसमें आपको बिटकीप एयर ड्रॉप 2 राउंड 2 लेके आया है, जिसमें आपको फॉर्म फिल करके आप काम कर सकते हो, फ्री में NFT ग्रैब कर सकते हो, और जिसके पास भी वो वाली NFT होगी उसको यहाँ पे एयर ड्रॉप टोकन देंगे 90%, ठीक। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जिसके पास एक ही वॉलेट में बिटकीप की NFT है, जो अभी मैंने क्लेम करवाई है, फॉर्म फिल करवाया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बताया है, तो वो NFT किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना बिटकीप के। आपको एक अकाउंट में सारी NFT नहीं रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, यदि कोई स्नैपशॉट लेंगे तो आपके यहाँ पे सारे वॉलेट के स्नैपशॉट लिए जाएंगे, और सारे वॉलेट में आपको अलग अलग टोकन मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट है जिसके पास 2-4 NFT है, अलग अलग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देना बिटकीप के, ना कि मेटामास्क के। यदि अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लो, सिंपल बात है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई ये फिल फॉर्म है, तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्म भाई कम से कम 10 से 15 चल रहे हैं। मैं इन फॉर्म की लिंक आपको डेडिकेटेड दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अभी आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 10 से 15 कैंपेन यहाँ पे चल रहे हैं फिल फॉर्म, जैसे कि बिटकीप O3 लैब्स का लाया, लेकिन O3 लैब्स का यहाँ पे NFT दे रहा है बिटकीप की। यहाँ पे NFT कौन कौन दे रहा है, जिसमें यहाँ पे बोला ना कि फॉर्म फिल करो और आपको यहाँ पे 9 अप्रैल तक टाइम है, तो वो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब उसके लिए एक और टिप्स बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्म अलग अलग बिटकीप एड्रेस का देना है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 15 कैंपेन चल रहे हैं, तो 15 कैंपेन में सेम एड्रेस नहीं देना है, आपको अलग अलग बिटकीप का एड्रेस देना है। पहले तो यहाँ पे टास्क कर डालो, ये
फॉलो वाले, ज्वाइन वाले, और यहाँ पर डाउनलोड, डाउनलोड तो आपको ऑलरेडी होगा। उसके लास्ट में आपको बिटकी का वॉलेट एड्रेस डालना है पॉलीगोन का, ठीक है, जो यहाँ पर 0x स्टार्ट होता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे स्पेस आईडी का फॉर्म आपने भर दिया, अब सेम टू सेम आपको दोबारा आ जाओ आपको ट्विटर पे, ठीक है। अब आपको वैसे नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इनकी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसकी लिंक दे दूंगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे शायद ये फॉर्म लेके आए क्या, तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड आ रहा है यहाँ पे इसका O3 लैब्स का, इसमें यहाँ पे फॉर्म निकाला है उन्होंने। तो यहाँ पे जो O3 लैब्स का पहले टास्क कर लो सारे के सारे, टास्क करने के बाद जो बिटकीप का एड्रेस है ना, फिर दोबारा वो सेकंड बिटकीप अकाउंट से देना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करें, यदि जिसके पास नहीं है तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। बस कहने का मतलब ये, जितने भी आपको कैंपेन बताएं कि जितने कैंपेन की लिंक दूंगा सबको फॉर्म फिल करना है अलग अलग एड्रेस के साथ बिटकीप, ना कि मेटा मास्क, सिंपल। और एक ही बिटकीप में अलग अलग वॉलेट बना सकते हो, यदि नहीं बनाना चाहते हो, आपको आईपी एड्रेस का डर है, तो आप डू मल्टी स्पेस का ट्राई कर सकते हो। डू मल्टी स्पेस से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने गैसू का भी बताया था, वो बिल्कुल मस्त वर्क कर रहा था, और हमारे गैसू में भी ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो गए, जिससे हम ऑलरेडी और एलिजिबल हैं एयर ड्रॉप के लिए, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद एक और यहाँ पे चीज बता देता हूँ, ये जो फॉर्म लिंक है 4-5, 10-15 कैंपेन है अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ, वो मैं लिंक दे दूंगा साथ में, उनको यहाँ पे फॉर्म भर देना, इंपॉर्टेंट है। और एक और कैंपेन ये है कि इनका, कि यहाँ पे ये हर दिन यहाँ पे 3 घंटे के लिए एक फॉर्म लेके आते हैं, जिसको आप फिल करोगे तो शायद गारंटेड आपको यहाँ पे NFT एयर ड्रॉप देंगे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म भी अभी ओपन है, तो इसको कम से कम 2 से 5 आईडी से भर देना अलग अलग अकाउंट से, और मिनिमम आपको यहाँ पे 20 से 40 अकाउंट बना लेने बिटकीप के, ठीक है। क्योंकि आपको यदि अच्छी खासी मोटा प्रॉफिट कमाना है तो भैया आपको करना पड़ेगा, और ज़्यादा ज़्यादा आपको काम करने में 30 मिनट से 1 घंटा आपको लगेगा फॉर्म फिल करने में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये तो अलग अलग आईडी से, मतलब कहने का मतलब जो भी कैंपेन है सबको अलग अलग आईडी से फॉर्म भरना है, सिंपल है, ठीक है। और मेन आईडी थी, सपोज करो आपको यहाँ पे दोबारा फॉर्म भरना है तो आपको मेन आईडी भी यूज कर लेनी है, ठीक है। मेन आईडी में तो सब फॉर्म यूज कर लो, मेन आईडी का एड्रेस तो सब फॉर्म में डाल दो, बाकी जो सेकंड भरोगे फॉर्म तो उसमें अलग अलग बिटकीप का एड्रेस डालना है, ये मैंने आपको टिप्स बता दी बिल्कुल। और जो मैं लिंक दूंगा सबको मैं टेलीग्राम से प्रोवाइड कर दूंगा, बस अभी इतना ही है, और भी बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म लिंक है, तो आपको मैं सबको मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा और बोल दूंगा कि फॉर्म भरो, बस सिंपल है। अब आते हैं सेकंड एयर ड्रॉप की बारी भाइयों, जो सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है मैजिक एडन की तरफ से। उससे पहले बताने से पहले एक इन्फो देना चाहता हूँ कि मैजिक एडन ने टोटल अब तक यहाँ पे $160 मिलियन की फंडिंग रेज करी है, जो यार बहुत बड़ी बात है, $160 मिलियन, ठीक है। जब भी क्या मतलब इसका टोकन लॉन्च करेगा तो भाई अच्छा खासा आपको एयर ड्रॉप दे के जाएगा, और किस किस को एयर ड्रॉप देगा वो बता दूंगा। उससे पहले हम तो भाई इसके इतने अर्ली यूज़र है ना, कि जिस दिन इसने अकाउंट बनाया था ना उसके दूसरे दिन हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भैया, सबसे पहले ट्रेंड लाना स्टार्ट किया था सोलाना NFTs का इंडिया में मैंने, ठीक है, जिससे आपको इतनी लोगों ने जो अर्ली यूज़र है हमारे LMFame इतनी अर्निंग करी, इतनी लखपति भाई लोग डीगोड से और उड़ीसा भाई, तो दुनिया भर की NFT याद ही नहीं आ रही मेरे को तो, ठीक है। स्नेक्स और भाई बताऊं क्या याद नहीं आ रहा, तो याकू भाई बहुत सारे NFT है, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, ये ओल्ड यूजर के लिए भी है, ये न्यू यूजर के लिए भी, इसने नहीं करा उनके लिए भी, मतलब ऑल के लिए, ठीक है। तो आपको मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ, पहले तो मैंने आपको इन्फो दी थी कि ये कितना फंड इन्होंने रेज करा है, और जल्दी यहाँ पे मैजिक टोकन यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अब पता नहीं कब करें, आज करें, कल करें, 1 साल बाद करें 2 साल बाद करें, लेकिन करेंगे जरूर, और लोगों को NFT मतलब एयर ड्रॉप देंगे जरूर, ठीक है। तो अब मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले अर्ली एंड ओल्ड यूजर होने चाहिए जो हम ऑलरेडी हैं, और हु डिड ट्रांजेक्शन एंड मेड गुड वॉल्यूम, जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लिए, जो NFT मिंट कराए, लिस्ट कराए, सेल कराए, बाय कराए, वो यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ही कर चुके हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे ओल्ड यूजर है, अब न्यू यूजर की बताऊंगा अभी थोड़ी देर रोको। उसके बाद हु होल्ड NFT जो अर्ली यूजर को मिली थी, नेम याद नहीं आ रहा, जैसे पता है कि भाई जिसने भी यहाँ वॉल्यूम कम्प्लीट करा था उनको यहाँ पे 4 NFT एट्रीब्यूट मतलब वो मिली थी अलग अलग, किसी को यहाँ पे प्राइम कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा, या नाम याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। जिसकी NFT की प्राइस यहाँ पे उस टाइम 150 सोल 100 सोल 200 सोल जो भी यहाँ पे रेयर थी वो यहाँ पे ज़्यादा सोल बिक रही थी, तो भाई बहुत सारे लोगों के पास गूगल NFT होल्ड है, तो हमने ये वाले भी ट्रांजेक्शन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड
थर्ड में क्या, जैसे आप पता है कि यहाँ पे तीन चार चेन इम्प्लीमेंटेड है, इथेरियम, पॉली, सोल और बीटीसी। बीटीसी भी लेटेस्ट आई है एक महीने के अंदर, एक महीने ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया, हमने इथेरियम में कर लिया क्योंकि भाई बहुत सारे फ्री मिंट आए थे। पॉलीगॉन में कर लिए, सोल में तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है, और पॉलीगॉन में अब कर ही रहे हैं, और बीटीसी में कर लेंगे, ठीक है, बीटीसी में कर लेंगे, अभी टाइम है अभी। अब उसके बाद फोर्थ आता है, कलेक्ट डायमंड एंड रीच मिनिमम 2 से 3 लेवल। अब लेवल कैसे रीच होगा और कैसे डायमंड कलेक्ट करने हैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे करने हैं बिड कर सकते हो, लिस्ट करके, सेल करके और वॉल्यूम बना के, उसके लेवल कर देना वॉल्यूम बना के, जिससे इससे ज़्यादा चांस है आपके एयर ड्रॉप के, क्योंकि भैया इन्होंने न्यू फंक्शन इंप्लीमेंट करा है डायमंड का, इसलिए यहाँ पर ये वाला काम कर लेना। और हमने बस ओनली 4 काम नहीं करे, मतलब चौथा काम नहीं करा और बाकी हमने 5 काम कर लिए। उसके बाद अब यहाँ 5 में मैंने क्या लिखा है, कीप एक्टिव एंड डू ट्रांजेक्शन ऑल चेन जो फ्री मिंट में बताऊँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चेन में एक्टिव रहना है, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे और एनएफटी की एयर ड्रॉप एलोकेशन ज़्यादा मिले, और प्लस यहाँ पे अच्छे खासे 4 डिजिट से 5 डिजिट का आपको एयर ड्रॉप मिल सके, ठीक है। वैसे तो हम करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको और भी बताऊंगा प्रोजेक्ट जिससे आपके एनएफटी ट्रांजैक्शन भी हो जाए, प्लस यहाँ पे एनएफटी से आपका प्रॉफिट हो जाए, जिससे यहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है ना, $1 से $2। आप यूँ मत समझना कि $1 से $2 प्रॉफिट, आप यूँ समझना कि मुझे यहाँ पे मैजिक का एयर ड्रॉप भी मिलने वाला है, ठीक है। मैंने आपको पाँचों कंडीशन बता दी, यही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, बस इसमें यही होगा कि भैया जिसने यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें हैं, जिसने यहाँ पे ज़्यादा डेटा ट्रांजेक्शन करें हैं, बस यही होगा एडिशनल में, तो ठीक है। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में, यहाँ पे डायमंड कैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, प्लस यहाँ पे लेवल कैसे रीच करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो मैंने लिंक दी ये वाली, इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद की वाले ब्राउज़र में पेस्ट कर देना। कीवी वाले ब्राउज़र में पेस्ट करने के बाद अब आपको ये काम किससे करना है, ये काम आपको ओनली ओल्ड वाले वॉलेट से करना है, जिसमें आपके यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके 1 से 1.5 साल पहले, जिससे आपके यहाँ पे एयर ड्रॉप एलोकेशन ज़्यादा भी मिले, प्लस यहाँ पे आप अच्छे खासे अमाउंट के एयर ड्रॉप मिल सके, ठीक है, और ओनली ओल्ड वाले से करना है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पर करना है मैजिक एडन को, और यहाँ पे फैंटम सोल चैन पे कनेक्ट कर लेना फैंटम वॉलेट द्वारा, ठीक है। फैंटम से कनेक्ट कर लिया, उसके यहाँ पे डायमंड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, डायमंड पे क्लिक करना है। डायमंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक इन करने के यहाँ पे डायमंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो 50 डायमंड आपके यहाँ पे प्रोफाइल सेट करने के मिल जाएंगे, तो यहाँ प्रोफाइल में जाना, माय प्रोफाइल में जाना और यहाँ पे प्रोफाइल सेट कर देना। प्रोफाइल सेट करना बताऊंगा नहीं, सिंपल सी टास्क है, सब जने कर लेना और सब चीज़ यहाँ पे डाल देना। एंटिंग फिशिंग कोड में यहाँ पे कुछ मत डालना, ऐसे क्या बोल रहा है एंटिंग फिशिंग कोड में देखता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे ओनली भी प्रोफाइल सेट करनी है, ठीक है। प्रोफाइल सेट करने के बाद आपको यहाँ पे 50 डायमंड यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको लेवल अप कैसे करनी पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे अर्न 8 डायमंड पर सोल ऑफ योर बिड्स डेट आर एक्सेप्टेड, ठीक है। यदि आपके यहाँ पे 1 सोल आपने बिड लगाई और वो एक्सेप्ट हो गई, तो आपको यहाँ पे 8 डायमंड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या है, 8 डायमंड पर सोल ऑफ योर लिस्टिंग डेट आर सोल। सपोज कर आपने एक सोल में लिस्टिंग करी और आपके यहाँ पे सोल्ड हो गई वो एनएफटी, तो आपको यहाँ पे 8 डायमंड और मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी लेवल आपका कौन सा है, अभी आपका लेवल है 1, ठीक है। अब आपको 2 लेवल कैसे करना पड़ेगा, पहले तो प्रोफाइल सेट करना। अब 2 लेवल करने के लिए माय लेवल में आना। माय लेवल में आने के बाद यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जैसे कि आप यहाँ 50 सोल का वॉल्यूम कंप्लीट करोगे, वैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा दिया जाएगा। तो भाई 50 सोल आपको पता है बहुत ज़्यादा है, वैसे वॉल्यूम बनाना है आपको, तो भाई 50 सोल करने के लिए आपको दो चीज़ है। पहला तो क्या है, जिस एनएफटी कलेक्शन की फ्लोर प्राइस अच्छी खासी है, प्लस अच्छा खासा वॉल्यूम बनाना है, हर सेकंड यहाँ पे बिक रही है जो लेटेस्ट कलेक्शन लिस्ट हुआ है, उसको यहाँ पे बाय करो और प्लस उसको यहाँ पे लिस्ट कर दो, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, पहली कंडीशन ही हो गई। सेकंड कंडीशन ही हो गई, जो भी आप एनएफटी मिंट करते हो, जैसे यहाँ पे अभी लेटेस्ट सोल के सीन आई थी, तो भाई आपने एनएफटी मिंट तो कर ली, लेकिन आपने सेल करोगे तो भाई वॉल्यूम बन जाएगा ना आपको, तो भाई सेल कर दो फिर दोबारा बाय कर लो, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बाय उतने प्राइस में करना है और सेल भी आपको उतने प्राइस में करना है। यदि फ्लोर प्राइस आपके यहाँ पे ज़्यादा चली जाती है, तो भाई उतने फ्लोर प्राइस में आपको यहाँ पे लिस्ट कर देना है, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और प्लस आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट कंडीशन, मैंने फर्स्ट स्टेप जो बताई है कि जो भी यहाँ पे लिस्टेड होता है न्यू कलेक्शन जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है, उसको यहाँ पे बाय सेल कर दो, जिससे आपको वॉल्यूम बन जाए, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि आपको यहाँ पे फ्लोर प्राइस यहाँ पे डाउन भी हो सकती है इंस्टेंट, और फ्लोर प्राइस यहाँ पे अप भी हो सकती है। तो भाई अपने रिस्क पे करना, और भाई मेरे हिसाब से तो भाई टाइम अभी बहुत है, 1-2 महीने के अंदर कर लेना, आपका इजीली सेकंड लेवल तक, थर्ड लेवल तक पहुँच जाओगे। मेरे हिसाब से भैया 2 लेवल तो भाई ईजिली कर लेना, क्योंकि
कंडीशन होने वाली है, एक लेवल को कुछ नहीं मिलने वाला, दो लेवल जो करेगा उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा ठीक है, और तीन लेवल करोगे तो भैया आपको यहाँ पर और प्रॉफिट होगा, तीन लेवल तो कर लो सफिशियंट है, पंद्रह और चार लेवल को भैया 1500 करने पड़ेंगे, तो 1500 भाई मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे ठीक है, 250 तक कर लो, 250 वॉल्यूम कम्प्लीट कर लो एक से दो महीने या तीन महीने के अंदर, तीन महीने मतलब यार, क्योंकि भाई कभी भी टोकन लॉन्च हो सकता है भाई, भरोसा नहीं भाई क्रिप्टो का कब क्या कर दें ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है बस आपको, बस मैंने आप कंडीशन सब बता दिए। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड एयर ड्रॉप की बारी, और इससे आपको यहाँ पे यही फायदा होगा, जो भी यहाँ फ्री मिंट आ रही है उनको तो यहाँ पे छोड़ना मत ठीक है, उनको यहाँ फ्री मिंट कर लेना और उनकी बायोटिक्स लेना अपना आप ही ठीक है। वैसे तो मैं प्रोजेक्ट बताता रहता हूँ आपको, और भी यहाँ पे फोकस करूँगा कि भैया मैजिक का कभी भी टोकन आ सकता है ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड की बारी, जो आ रहा है यहाँ पे लीफाई की तरफ से ठीक है, तो सबसे पहले लीफाई को जो लिंक दूंगा उसको कॉपी करना भाइयों, जो लीफाई का जो फर्स्ट कैंपेन है वो आ रहा है यहाँ पे फ्री में, आपको यहाँ पे ओट मौका मिलेगा मिलने का, तो कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है ये वाला। सबसे पहले इसने भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे फंड रेज करा और जल्दी इसका टोकन भी लॉन्च होने वाला, तो मैं जो भी बता रहा हूँ 4, 5, 6, 7 बता रहा हूँ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे कर लेना ठीक है। पहला काम आपको यहाँ पे इनका ओटर ग्रैब करना है, सबसे पहले आपको यहाँ व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ना और यहाँ पे हो जाएगा, उसके यहाँ पे क्यूज का आंसर देना है, यहाँ पे क्यूज कम से कम 10 से 15 है, तो क्यूज के आंसर मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ऑलरेडी मैंने फाइंड कर ली है यहाँ पे, नहीं बताऊँगा क्योंकि भाई वीडियो लंबी बन जाएगी ठीक है। क्यूज का आंसर दे देना, उसके यहाँ पे फॉलो करना, उसके इसको फॉलो करना, इसको कर लेना, ये तो सिंपल। उसके यहाँ पे एक जी कोड दूंगा मैं आपको, जी कोड आपको यहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कॉपी कर रखा है यहीं से ठीक है, इसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आएगा आपका ओट, तो यहाँ पे आपको ये वाले ओट क्लेम कर लेना है 8 के 8 टास्क करके ठीक है। पहला काम कंप्लीट हो गया, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड काम की बारी। सेकंड काम क्या है, गैलेक्सी, एक गैलेक्सी की लिंक दूंगा, इस पर क्लिक करना, जो मैं बता रहा हूँ ना टास्क इनको सबको कर लेना, क्योंकि भैया सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिए इसी में लीफाई के ठीक है। अब गैलेक्सी ओपन करोगे इस वाले पेज पर जाओगे, और इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है, और जिसके पास यहाँ फंड है तो वो गलती से छोड़ना मत, जिसके पास फंड नहीं है तो भाई वो फ्री वाले कर लेना सिंपल। अब ऐसे ही मैंने ये वाले कर लिया, उसके इसमें क्या क्या है, इसका मिंटिंग कैप है 11,950, उसके यहाँ पे मिंट नहीं होगी, और भैया अभी तो यहाँ बहुत सारे एनएफटी बाकी हैं, 8,000-9,000 बाकी हैं ठीक है, और ये कैंपेन चलेगा जब तक यहाँ पे मिंट नहीं हो जाता पूरा। अब यहाँ पे पहला काम क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रैनो फाई जेड की सिंक एरा एक्सप्लोरर को वेरीफाई कराना है। अब भाइयों आपको ये वाला यहाँ पे ओट कैसे क्लेम करना पड़ेगा, ऐसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि राइनो डॉट फाइव जेड के सिंह एरा एक्सप्लोरर ठीक है, और उन्होंने नीचे बोला है कि जो ये ओनली बॉय कर सकते हैं क्लेम जिन्होंने यहाँ पे ब्रिज करा हो जेड के सिंह एरा राइनो द्वारा ठीक है। अब यहाँ पे जिसने ब्रिज नहीं करा उनके लिए बताता हूँ, डिटेल्स में जाना, डिटेल्स में जाने के बाद इस वाले पेज पर आ जाओगे, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन के नीचे जस्ट लिंक दे रखी है इनकी, तो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस वाले पेज पर आ जाओगे, और यहाँ पे आपको बस एक ब्रिज करना है ठीक है। ब्रिज करना है किस किस में करना है वो बताया ता हूं, आपको यहाँ पे ब्रिज करना है इथेरियम से जेड के सिंक एरा, नहीं तो फिर आर्बिट्रम से, जैसे कि आपको इथेरियम का ही ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ इथेरियम से जेड के सिंक एरा करना है, इथेरियम से आर्बिट्रम मत करना क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है ठीक है। और ब्रिज कर लेना, ब्रिज करने क्या करना पड़ेगा, पहले तो बॉर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया बॉयड, एक दो कन्फर्मेशन आएगी आपको अप्रूव कर देना है आपको ठीक है मेटामास्क में। उसके बाद अब आपको यहाँ बॉयड कनेक्ट कर लिया, उसके पहले आपको यहाँ पे डायरेक्ट फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा रायनो डॉट फाइव में, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10 से 15 डॉलर का डिपॉजिट कर देना है। 10 से 15 डिपॉजिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बैलेंस अभी कितना है आपका, यहाँ पे 15 डॉलर बोल रहा है आपका ठीक है, डिपॉजिट कर देना है। डिपॉजिट करने के बाद यदि ज़्यादा फीस लग रही है तो भैया आपको वेट करना है, आपको रात में करना है, गई रात में ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ब्रिज वाले सेक्शन में आ जाना है, ब्रिज वाले सेक्शन में आने के वैसे यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है, उसके ब्रिज वाले सेक्शन यदि यहाँ से नहीं मिलता है तो भैया थ्रियन पे क्लिक करो, यदि वहाँ से ऑप्शन नहीं आता है तो दोबारा गैलेक्सी वाले वेबसाइट में जाके इस वाले लिंक को करना क्लिक, उसके इस वाले पेज पर जाओगे ब्रिज वाले पे ठीक है, यदि वहाँ से ऑप्शन नहीं आता है तो ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद अब मैं डिपॉजिट नहीं करके दिखा रहा क्योंकि भैया वीडियो लंबी बन जाएगी, उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद आपको यहाँ ब्रिज कर लेना है इथेरियम से जेड के सिंक एरा में ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आप ये वाला गैलेक्सी का वोट यहाँ पे क्लेम भी कर सकते हो थोड़ी देर बाद, एक से दो घंटे बाद ट्रांजेक्शन का, एक से दो घंटे बाद क्लेम कर लेना, तो इंस्टेंट ट्रैक करना आपका यहाँ पे हो जाएगा। हमारा ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया, उसके नेक्स्ट काम क्या आता है, नेक्स्ट काम है ज्वाइन गिल्ड का और ज्वाइन जीरियन का ठीक है, तो इनको दोनों को ओपन कर लेता हूँ। अब गिल्ड में आपको यहाँ पे जैसे आपको हर करते हो प्रोजेक्ट को ज्वाइन वैसे ही है, आपको यहाँ पे ज्वाइन गिल्ड पे क्लिक करना है, जो भी यहाँ पे टास्क दे रखे हैं तीनों के तीनों कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद इनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद अब आपको यहाँ पे ये वाले भी टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं ठीक है, जो भी यहाँ पे दे रखे हैं सिंपल सिंपल उनको कर लेना, कंप्लीट
करने के बाद आपको यहाँ पे टिक आ जाएगा। ठीक, टिक आने के बाद से यहाँ पे ये ओनली 8,000 लोगों ने कर रखा है, ये ऊपर वाला ओनली 8,100 लोगों ने कर रखा है, ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टास्क है, आपको यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्वाइन गिल्ड करने में। ठीक है, ये कर लेना, आप कंप्लीट हो गया काम। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे जीरियन की तरफ से, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डिस्कॉर्ड करना पड़ेगा कनेक्ट। डिस्कॉर्ड कनेक्ट करने के बाद डिस्कॉर्ड सर्वर करना पड़ेगा ज्वाइन, और यहाँ पे हो गए कंप्लीट। और कुछ नहीं करना, एक से दो टास्क है इसमें भी, बस सिंपल सिंपल टास्क है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करके ज्वाइन करना है और यहाँ पे काम हो गए खत्म, और कुछ नहीं करना। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट की बारी भाइयों, जो नेक्स्ट स्टेप आ रही है वो आ रही है यहाँ पे लेयर 3 की तरफ से, जो राइनो 5 ऑन जेड की सिंक एयर है, जिसमें अभी ओनली 7,500 लोगों, अप्रोक्स 7,300 लोगों ने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लिक करना है, और जो भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन आया उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड आपको यहाँ पे ये ऑप्शनल टास्क है, जिसके पास फंड नहीं है तो वो इसको छोड़ देना। वैसे तो यहाँ पे थर्ड टास्क भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा इथेरियम पे, जिसने ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है इथेरियम पे, जो मैंने आपको अभी लास्ट सेकंड बताया टास्क, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक आ जाएगा। यदि नहीं आता तो थोड़े बहुत डिपॉजिट और कर दो, $2 से $5 के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेकंड टास्क कर लेना भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे सब चीज़ काम हो गया, आपने यहाँ पे डिपॉजिट भी कर दिया, आपने इथेरियम से जेड के सिंगर में स्वैप कर लिया, मतलब ब्रिज कर लिया। अब आपको यहाँ पे इथेरियम फ्रॉम आर्बिट्रम टू जेड के सिंग करना है। ठीक है, ब्रिज वाली साइड पे जाओगी, ब्रिज वाली साइड पे जाने के बाद जेड की सिंक, सॉरी आर्बिट्रम से जेड की सिंक कर लेना, आपका ये वाले भी टास्क कंप्लीट हो गया। उसके यहाँ पे राइनो 5 ट्रिविया, इसमें आपको यहाँ पे क्यूज के आंसर है, क्यूज के आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे जो आपको आएगी क्विस्ट उसको यहाँ पे शेयर करना है आपको ट्विटर है। बस आपको यहाँ पे 2 से 3 काम है और आपका काम खत्म हो गया। और फीडबैक में जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे दे देना, बुराई मत कर देना, इनकी कहीं बुराई कर दो, ठीक है, अच्छा ही लिखना। ठीक है भैया, इनका फंक्शन बहुत अच्छा है, इनके यहाँ पे UI अच्छा है, इनका यहाँ पे अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, डिपॉजिट फंक्शन है, ब्रिज फंक्शन है, बस इतना लिखना, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पे कंटिन्यू में लिख करना, आपके 6 के 6, 7 के 7 टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आती है यहाँ पे नेक्स्ट की बार जो आ रहा है यहाँ पे AMA की तरफ से, AMA के नाम से AMA पे क्लिक करना और यहाँ पे लिंक कर देना पेस्ट। जो मैंने अभी यहाँ पे AMA बार लिखा था ना, वो यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैंने वो वाला यहाँ पे कट कर दिया, अभी थोड़ी बहुत और देखा था, इसलिए वो वाला मत करना। वैसे मैं लिंक दूंगा ही नहीं तो करोगे कहाँ से। ठीक है, उसके लास्ट आता है यहाँ पे जंपर जो आ रहा है लेयर 3 के ऊपर। अब यहाँ पे आपको ये वाली स्टेप भी कंप्लीट कर देनी है। ठीक, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जंपर आएगा, तो ये आप ऑप्शनल है, करना चाहो कर सकते हो, वैसे टिक आ जाएगा, नेक्स्ट नेट करना और यहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके यहाँ पे टेक अवर क्यूज, तो यहाँ पे जो आंसर है क्यूज के वो आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई गलती भी हो गया ना तो आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो दूसरा, तो यहाँ पर आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि ये गलत है तो ये सही है। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो, जैसे हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करा लेता हूँ। वेरीफाई कराने से पहले आपको यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है स्वैप एंड ब्रिज, तो यहाँ पे आपको ओपन जंपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, जंपर वाली वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट का स्वैप कर देना है। जैसे यहाँ पे इनका अमाउंट नहीं लिख रहा, इन्होंने अमाउंट नहीं लिखा कितने अमाउंट करना है, तो इन्होंने ये बोला कि स्वैप एंड ब्रिज करना है, तो यहाँ पे स्वैप एंड ब्रिज कर दो। सबसे पहले आपको बॉयड कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने की प्रोसेस बताऊंगा, उसके यहाँ पे सेलेक्ट चेन कर लेना, इथेरियम से कर लेना, वैसे कि स्वैप बोला तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिसमें कम फीस लगती है वो कर लेना। ठीक है, अब ऐसे कि यहाँ पे मैटिक है, मैटिक कर लेना, मैटिक से किसी और में कर देना, ऐसे कि मैटिक USDC में कर देना, उस दोबारा ऐसे कि मैटिक ऑन इथेरियम है। इसमें एक और बात बताता हूँ कि इसमें ऐसे कि BNB है ना, तो भाई BNB वो इथेरियम चेन पे, तो यहाँ पे आपको ओनली इथेरियम चेन को देनी पड़ेगी, तो भाई BNB सब छोड़ो, आपको इथेरियम को स्वैप कर लेना है USDC में। ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे USDT में जो यहाँ पे स्टेबल फंड है उसमें स्वैप कर लो, स्वैप करने के बाद ये वाला हो जाएगा, उसके दोबारा USDC को इथेरियम में स्वैप कर दो। ठीक है, तो आपका ये वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसके यहाँ पे बोला है स्वैप हो गया हमारा। अब ब्रिज कैसे करना पड़ेगा, ब्रिज करने के लिए दोबारा इसी पेज पर उसके थ्री लाइन पर क्लिक करो, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे स्वैप एंड ब्रिज का मतलब एक ही चीज़ है, मतलब स्वैप करो ब्रिज करो, ब्रिज का ऑप्शन भी है नहीं, बस आपको यहाँ पे स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप कर लेना इथेरियम से USDT और USDT से इथेरियम, बस आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। और कोई भी यहाँ मिनिमम कंडीशन नहीं है, आप चाहो तो $2 से $5 का यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी, और यदि ज़्यादा फीस लग रही है तो भैया आपको थोड़ी देर बाद कर लेना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि चैन पॉलीगोन, लेकिन जो चैन पॉलीगोन है वो यहाँ पे क्लेम होगा आपके यहाँ पे XP वाला। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे इथेरियम मेन नेट पे, बस सिंपल, और शेयर कर देना लास्ट में क्विस्ट और यहाँ पे फील बता देना, कंप्लीट आपका ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया। अब आती है फोर्थ एयर ड्रॉ की बारी, बस इसमें इतना ही था लीफाई में, और कोई यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा टास्क तो आपको बता दूंगा, और टेलीग्राम के और क्यूज के आंसर टेलीग्राम में मिल दे दूंगा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जैसे और लिंक आती है। तो अब आती है हमें नेक्स्ट थर्ड एयर ड्रॉप फोर्थ एयर ड्रॉप की बारी भाइयों, फोर्थ आ रहा है जो आ रहा है यहाँ पे आईवाइब की तरफ से, जो यहाँ पे माइनिंग का एप्लीकेशन है, जो अभी यहाँ पे 1 महीने या 1.5 महीने पहले ही आया है,
तो उससे पहले यहाँ पे ज़्यादा और लोग डाउनलोड करें, ज़्यादा करें, तो भाई माइनिंग की स्पीड अभी बढ़ाना स्टार्ट कर दो और अभी से माइनिंग स्टार्ट करना कर दो, क्योंकि भाई इसमें एक चीज़ नहीं दो चीज़ आपको मिलेंगी, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, ईमेल डाल देना, सेंड करना, और जो आपकी ईमेल आईडी कोड है उसको यहाँ पर एंटर कर देना, और यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुल आप हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर गूगल प्ले पर जाओ और यहाँ पर ऐप को कर लो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पर ऐप हो जाएगा डाउनलोड, उसको ओपन कर लो। ओपन करना जिस ईमेल आईडी से आपने यहाँ पे साइन अप किया था वेबसाइट में, उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लो, जैसे मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस करने का ऑप्शन आएगा, तो आपके आपकी लोकेशन यहाँ पे अलाउ कर देना, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको लोकेशन दिख जाएगी इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको 4 से 5 टास्क और यहाँ पे दो चीज़ मिलेंगी आपको, यहाँ पे डेली डेली यहाँ पे सतोसी मिलेंगी और यहाँ पे बीबी टोकन मिलेंगे, जो यहाँ पे पाई की तरह एक्सचेंजेबल होंगे यूएसडीटी में, ठीक है। अब यहाँ पे पहला काम ये कि इनिशिएट फ्री एयर ड्रॉप पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा 15 इस टाइम आओगे तो दोबारा आपको दोबारा क्लेम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसके नीचे नीचे एक और क्लेम करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करो, ये वाला भी कहाँ पर क्लेम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 घंटे को रेफर कर दोगे तो आपको यहाँ पे मतलब आपकी पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जो यहाँ पे बहुत सिंपल है। 3 फ्रेंड को रेफर करना तो भाई बहुत सिंपल है, प्रोफाइल में जाके अपनी रेफर लिंक कॉपी करके कर देना, तो भाई बाईपास कर लेना, बाईपास सिंपल है, बताऊंगा नहीं। उसके यहाँ पे फॉलो करोगे ट्विटर पे तो आपको यहाँ पे 10,000 हैज पावर और इंक्रीज हो जाएगी, और ट्विटर पे ये करोगे तो शायद रिट्वीट है, तो इस पे भी आपको यहाँ पे 10,000 पावर और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लेम 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 कर लेना, आपका काम हो गया खत्म, ठीक है। बस इतना टास्क है और आपको यहाँ पे डेली डेली आना है और यहाँ पे क्लेम कर लेना है बस, ठीक है। ये वाले टास्क यहाँ पे एक बार के हैं और ये वाले टास्क आपको यहाँ पे डेली डेली क्लेम करना है, बस इतना सा काम करना है। और कुछ यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा सिस्टम तो बता दूंगा, लेकिन आपको अभी इतना काम करना है और रेफर करके कर दो, 3 फ्रेंड को कर देना रेफर, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट 5th एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों आपको 5th में आपको 2 एयर ड्रॉप बताना, जो 5th का फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है नाइस ब्लॉक पार्टी पॉलीगॉन की तरफ से। इसमें आपके कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट है, 15 से 20, और यहाँ पे आपको ओनली सोशल मीडिया के टास्क करने हैं, 2 से 3 टास्क हैं फॉलो रीट्यूट के हर प्रोजेक्ट में, ऐसे कि डोरमेट में इतना है 3 टास्क हैं, पॉलीगॉन पंक्स में भी इतने हैं, तो सारे के सारे जो 15 से 20 ओट है ना, सारे के सारे ओट को क्लेम कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे 30 से 40 मिनट लगेगी, और एक क्लेम करने पे आपके यहाँ पॉलीगॉन की फ़ीस लगेगी 2 से 5 रुपये, तो आप मान लो अप्रोक्स 100 रुपये में लगेगा आपकी टोटल फ़ीस। तो यहाँ पर कर लेना सब चने सब मिनट कर लेना, सारी की सारी निपटी, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट बोल रहा है उसको मत लेने देना। वैसे इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं है, मैंने देख लिया, ओनली सोशल मीडिया के टास्क है, और यहाँ पे क्लेम कर लो और जिससे आपके यहाँ पे डबल प्रॉफिट हो जाएगा, गैलेक्सी के में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे नाइस ब्लॉक पार्टी का भी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, प्लस और भी यहाँ बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ पे एनएफटी होल्ड करेगा, ठीक है। तो बस इतना काम है सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे 5th के सेकेंड की बारी। जो भाई 5th का सेकेंड है, इसमें आपको यहाँ पे 3 काम करना है। सिंक स्वैप की तरफ से आ रहा है, जो जेड के सिंक पे यहाँ पे फर्स्ट डेक्स है, और जो खुद ने इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी आज 10 घंटे पहले कि इनका खुद का यहाँ पे टोकन आने वाला है सिंक के नाम से। अभी यहाँ पे कोई काउंटर एड्रेस नहीं आया, तो भाई अवेयर रहना कोई स्कैम नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया। बस अभी यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि यहाँ पे इनका सिंक टोकन जल्दी आने वाला है, तो अभी से आपको यहाँ पे टास्क कर लेना है। ऑलरेडी हमने टेस्टनेट में टास्क कर लिए, तो हमने एरा जेड के सिंक एरा मेन नेट में टास्क नहीं करे सिंक स्वैप के, तो उसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे sinkswap.xyz ओपन करनी है, इसके बाद इस वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको मिनिमम वॉल्यूम बनाना पड़ेगा आपको 500 से 1000 ड्रॉ का, जैसे आपने बिटकॉइन में अभी करा तो फर्स्ट एयर ड्रॉ में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले जेड के सिंक के एरा के आपके पास टोकन होने चाहिए इथेरियम के, यदि नहीं है तो भैया ब्रिज कर लेना, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रिज करने के बाद आपको यहाँ पे इथेरियम से यूएसडीसी स्वैप कर लेना है, यूएसडीसी से इथेरियम एसएस करके आपको कर लेना है यहाँ पे स्वैप, और जेड की सिंक एरा मेन नेट में, ठीक है। इथेरियम से यूएसडीसी से बीयूएसडी, जो भी यहाँ पे स्टेबल फंड में कर लेना, और मिनिमम आपको हमें 500 से 1000 ड्रॉ का वॉल्यूम बना लेना। कैसे बनाना पड़ेगा, एक दिन में मत बनाना, 2-5 दिन 6-7 दिन 8-10 दिन में बना लेना, अलग अलग दिन बना लेना, इससे आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाए, प्लस यहाँ पे डेली एक्टिविटी भी हो जाए और वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे कोई यहाँ फंक्शन है जैसे कि पूल का फंक्शन है, तो पूल में जाके आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो जैसे कि स्टेबल फंड में, तो भाई इसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड की और जरूरत पड़ेगी। जिसके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड है तो वहाँ पे डिपॉजिट कर देना। वैसे डिपॉजिट से ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पे और एयर ड्रॉप एलोकेशन मिलेगी जो भी यहाँ पे पूल में डिपॉजिट करेगा। मिनिमम करना पड़ेगा आपको $10 का, ठीक है, 5 ड्रॉ का नहीं करना है, टोटल दोनों की वैल्यू होनी चाहिए 5-5 डॉलर, मतलब टोटल $10 की वैल्यू होनी चाहिए। तो आपका ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया, सिंक स्वैप का, स्वैप का, और यहाँ पे पूल का, ठीक है, ये मैं काट कट कर देता हूँ। सेकंड है यहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने पड़ेगा, डिस्कॉर्ड लिंक यहाँ पे दे रखी है बायो में, ज्वाइन करने के बाद इस वाले पेज पर जाओगे और यहाँ पे वेरीफाई करा लेना सर्वर। वेरीफाई कराने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन यहाँ पे लिख रहा है ज्वाइन
ज्वाइन के सिंक स्वैप गिल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, तो गिल्ड ज्वाइन कैसे करना पड़ेगा, ज्वाइन पे क्लिक करो, उसके यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा नीचे नीचे, वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करो, उसके गिल्ड वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। और यहाँ पे आपको गिल्ड कर लेना है ज्वाइन, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो तीनों चीज़ चारों चीज़ बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और जो भी यहाँ पे टास्क बता रखे हैं फॉलो के, इन सब को टास्क को कम्प्लीट कर लो। और जो यहाँ पे ये वाला टास्क है ये भी बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर, और बोट कर दो जो यहाँ पे टास्क दिख रहे हैं, जो यहाँ पे टास्क दिख रहे हैं भाई, सिंपल सिंपल टास्क है भैया, बताने की जरूरत नहीं है, उन टास्क को यहाँ पे कम्प्लीट कर दो। और जो यहाँ पे टास्क आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है उन टास्क को मत करो, क्योंकि भैया यदि जैसे कि ये टास्क हो गया तो इसमें टिक आ जाएगा, यदि ये टास्क हो गया तो इसमें टिक आ जाएगा, यदि ये टास्क नहीं हुआ तो इसमें टिक नहीं आएगा, ठीक है। तो बस जो यहाँ पर टास्क दिख रहे हैं उनको टास्क कर लो, गिल्ड को कर लेना ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन हो गया गिल्ड, उसके नीचे नीचे आना और यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन है, इवेंट चैनल में यहाँ पे बॉलेट का ऑप्शन, तो यहाँ पे बॉलेट पे क्लिक करना, इस पर टिक कर देना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मेटा मास्क का एड्रेस डालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेकंड थर्ड काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब आती है फोर्थ काम की बारी। फोर्थ काम में आपको यहाँ पे एक लिंक दूंगा, गैलेक्सी की लिंक दूंगा, जिसमें आपको यहाँ पे ओट क्लेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओट क्लेम लिंक मैं पेश करता हूँ, पहले तो गैलेक्सी की, अभी तक यहाँ पे 50,000 NFT यहाँ पे क्लेम हो चुकी है, और यहाँ पे कोई भी लिमिटेड NFT नहीं है, ओनली ये कैंपेन चलेगा 20 अप्रैल तक, तो जितनी यहाँ पे NFT क्लेम होंगी सब यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे टास्क हैं, पहले तो यहाँ पे डीट्यूट के हैं, लाइक के हैं, और यहाँ पे एरा मैनेट एक्सप्लोर के हैं, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाली स्टेप में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, स्वैप वाला जो इथेरियम से USDC में, USDC इथेरियम में, बस ये वाला टास्क ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक आ जाएगा जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, यदि आप सिंक स्वैप में ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, उसके यहाँ पे सिंक स्वैप को ट्विटर फॉलो करना और बस वेरीफाई करके पहले फॉलो ना करना फिर वेरीफाई करना और यहाँ पे क्लेम कर लेना ये वाली ओट, बस डेट्स इट, इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप है। बस यहाँ पे आपको 60-70% में इन्वेस्टमेंट है, बाकी 30% में आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट है, तो बस इतना काम करना आपको यहाँ पे इजीली लखपति बन जाएगा। और इस बार वीडियो पे लाइक का टारगेट रखता हूँ 1800+, क्योंकि यार इतने सारे प्रोजेक्ट फिल्टर करके सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आपको, जो कोई बताएगा भी नहीं, और वही इजीली आप जब भी आएगा टोकन तो भाई इजीली आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। और बस इतना ही है, हमारे चैनल को ज्वाइन करने का नाम है लूट मनी, क्योंकि जो भी कोई अपडेट आएगा, जो भी कोई यूनिक एयरड्रॉप आएगा तो यहाँ बता दूंगा, तो चैनल ज्वाइन करने का नाम है लूट मनी। थैंक यू।